नमस्कार, मैं हूं मंदार जाम सांडेकर और आपका स्वागत है इस YouTube सेशन में। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं निफ्टी और बैंक निफ्टी के साथ आज स्पेशल आपके लिए वोल्टास। ये पूरा वीडियो देखिए, सारी लेवल्स ठीक तरीके से समझ लीजिए और एक बढ़िया सा ट्रेड बनाइए। मेरे पीछे आपको निफ्टी का नियर मंथ फ्यूचर का चार्ट दिखेगा। देखिए, स्टडी इंटैक्ट है, हमने इससे पहले भी डिस्कस किया हुआ है। अब पिछले दो दिनों से हमें निफ्टी में एक उछाल देखने को मिला है और अब ऑल टाइम हाई का जो रेजिस्टेंस है उस लेवल पे दोनों इंडेक्स यानी निफ्टी भी और बैंक निफ्टी भी दोनों वो रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर रहे हैं। तो ये रेजिस्टेंस जो है ये ब्रेक होना इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं होता है तो कंसोलिडेशन जो है, जो हमने इससे पहले भी डिस्कस किया, वो कंसोलिडेशन जारी रहेगा। तो अब कल के ट्रेड के लिए इन केस ऑफ निफ्टी आपको वॉच करनी है रेजिस्टेंस 14,670 की लेवल, और नीचे में जो सपोर्ट है, इमीडिएट जो सपोर्ट बनता है वो 14,524 का लेवल है, जो है आज का लो। तो 14,524, फिर कल का जो ओपन है 14,380 और परसों का जो लो है 14,250। तो ओवरऑल फिलहाल जो रेंज है वो 14,250 और ऊपर में 14,670, इस तरीके की एक 500 पॉइंट के आसपास वाली एक रेंज बनी हुई है निफ्टी फ्यूचर के लिए। तो रेजिस्टेंस अगर ब्रेक होता है तो यस, ऊपर की लेवल्स भी हमें देखने को मिल सकती है। अगर नहीं होता है तो ये जो रेंज है, इस रेंज में ट्रेड शुरू रहेगा। इंडेक्स स्टॉक्स पे ध्यान देने से और इंडेक्स पे ध्यान देने से अच्छा है कि आप एक स्किप स्पेसिफिक व्यू रखें। इंडेक्स के बाहर इंटरेस्ट ज्यादा दिखेगा आपको और जिस तरीके के नंबर्स, यानी अभी जो क्वार्टरली अर्निंग सीजन जो चल रहा है, जिस तरीके के कंपनीज नंबर्स अनाउंस करेंगे उस हिसाब से हमें इंट्राडे में मूव्स भी देखने को मिलेगी। तो कुछ भी अगर अपॉर्चुनिटी बनती है तो मेरे तरफ से आपको अपडेट जरूर मिल जाएगा। निफ्टी के तौर पे ये लेवल्स ध्यान में रखिए और एक बढ़िया सा ट्रेड बनाइए। अब देखते हैं बैंक निफ्टी का नियर मंथ फ्यूचर का चार्ट। देखिए, ये भी आपको दिखेगा, ये ब्लू कलर की जो हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट की है मैंने, 31,691 की लेवल, ये एक बढ़िया सा सपोर्ट है बैंक निफ्टी के लिए। ऊपर में फिलहाल जो हाइस किए थे 32,665 और 32,861, ये ऊपर में रेजिस्टेंस बनता है। तो ये रेंज में फिलहाल बैंक निफ्टी ट्रेड करेगा। कोशिश तो हो रही है कि ये ऊपर में ब्रेक किया जाए, कोई तो एक स्टॉक आके मदद भी कर लेता है इंडेक्स को ऊपर में रखने के लिए, लेकिन उस तरीके से चलेगा नहीं। अगर ये ब्रेकआउट होना हो तो बहुत सारे स्टॉक्स ने सपोर्ट करना जरूरी है। तो ये लेवल्स वॉच करती हैं। इंडिविजुअल स्टॉक्स पे अगर मूव देखने को मिलती है तो इंडेक्स भी हमें मूव करते हुए दिखेगा, लेकिन रेजिस्टेंस जो आपने वॉच करना है 32,665 और 32,861, ये ऊपर में एक रेजिस्टेंस का बैंड है और नीचे में जो इमीडिएट सपोर्ट है वो है 32,354। ऊपर में रेजिस्टेंस नहीं ब्रेक होता है तो कंसोलिडेशन जारी रहेगा। बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं कि जो फिलहाल एक कंसोलिडेशन से गुजर रहे हैं। तो ये है इंडेक्स पे व्यू। अब मेरे पीछे आपको वोल्टास का चार्ट दिखेगा। ये डेली चार्ट है और कैश सेगमेंट का चार्ट है। इंटरेस्टिंग सा फॉर्मेशन है, देख सकते हैं आप कि 22 दिसंबर को यहां पे एक लो करने के बाद 770 के आसपास ये स्टॉक में एक उछाल देखने को मिला। देख सकते हैं आप, एक सीधे अपट्रेंड में ट्रेड हुआ और अब पिछले 8 ट्रेडिंग सेशन से ये स्टॉक एक रेंज बाउंड ट्रेड कर रहा है। तो ये रेड कलर की जो हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने यहाँ पे प्लॉट की है, ये ऊपर में रेजिस्टेंस बनती है और नीचे में जो ब्लू कलर की हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट की है वो नीचे से सपोर्ट बनती है। तो इस लेवल्स के बीच में फिलहाल वोल्टास ट्रेड कर रहा है। रेजिस्टेंस आता है 927 के लेवल्स पे और सपोर्ट जो है वो बनता है 876 के लेवल्स पे। तो ये दो लेवल्स आप वॉच कीजिए, ये डेली चार्ट है, ध्यान में रखिए। पहली अपॉर्चुनिटी इंट्राडे में बनेगी तो राह देखनी है ये जो लेवल्स हैं ये ब्रेक होने की। जब कब ये ब्रेक होंगी, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, कोई भी,
तो एक बढ़िया सी अपॉर्चुनिटी इसमें बनेगी, एक बढ़िया सा ट्रेड भी बनेगा। जब इसमें अपॉर्चुनिटी बनेगी, आप अगर मेरे व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट में है तो मेरे तरफ से तो आपको अपडेट मिल ही जाएगा, लेकिन अगर आप ना हो मेरे व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट में, आप अगर मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम के मेंबर ना हो, तो फिर आपको ये अपॉर्चुनिटी कैसे मिलेगी। इसलिए ये लेवल्स, तो ये लेवल्स आप ध्यान में रखिए, और जब कब अपॉर्चुनिटी मिलती है तब एक बढ़िया सा ट्रेड बनाइए। इससे भी बढ़िया वाले स्टॉक्स आपको मिल जाएंगे प्रिसिजन असिस्ट में। तो प्रिसिजन असिस्ट में अगर आप जाके डाउनलोड कर देते हैं, तो आज के जो स्पेशल वाले स्टॉक्स हैं उन पे डिटेल्ड एनालिसिस आपको प्रिसिजन असिस्ट में मिल जाएगा। बाकी जो इंट्राडे वाले स्टॉक्स हैं वो मैंने आपको व्हाट्सएप पे ऑलरेडी पोस्ट कर दिए हैं, तो वो स्टॉक्स पे ध्यान दीजिए, लेवल्स पे ध्यान दीजिए, एक बढ़िया सा ट्रेड बनाइए। आपका नंबर अगर मेरे व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट में नहीं है तो ऊपर में मेरा नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पे आपका इंटरेस्ट मुझे मैसेज कर दीजिए, मेरी टीम आपके कांटेक्ट में आ जाएगी, आपको तुरंत एनरोल करा लेगी, आप कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करोगे। मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन भी प्रेस कीजिए, ताकि जब कब मैं एक वीडियो अपलोड कर दूं आपको तुरंत एक नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे मिल जाए। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया होगा तो इसे थम्स अप दीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। आपने मुझे इस वीडियो में ज्वाइन किया इसलिए आपका धन्यवाद। आपका मंदार जामसांडेकर।